जी हाँ, मैं अमित कुमार। मैं आज आपको टॉट और सेल्फिश टॉटर मॉडिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं पहले भी जिक्र किया था पुराने वीडियो में। आप लोग उसी टाइम से परेशान होंगे कि टॉट और सेल्फिश टॉटर मॉडिफिकेशन क्या है, क्यों हुआ। मैं आपको बता दूं कि टॉट सेल्फिश टॉटर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। टाटर सेल्फ स्टार्टर में आपको पता होगा कि इसमें यहाँ जो भी मैकेनिज्म होता है उसमें दो कंटेक्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एक हैवी स्प्रिंग होती है और यही होता है पुशिंग प्लेट, जो कि आप देख रहे होंगे पुशिंग प्लेट। ये पिनियन को आगे पुशिंग राड के जरिए धक्का देता है, जो कि सारे इस क्वाइल इस वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। ये वाइंडिंग इतनी पावरफुल है कि सारे फर्स्ट कंटेक्ट लकिंग मैकेनिज्म, सेकेंड कंटेक्ट पिनियन को आगे पुश करना, इतने सारे इसके काम है। भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नई चीज़ अच्छी चलती है, जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी जो पावर है वो लॉस होने लगती है, और फिर ये जो पुशिंग प्लेट है ये पिनियन को आगे अच्छी तरह से पुश नहीं कर पाता है, जिससे लकिंग मैकेनिज्म जो कि इस प्लेट में आपको यहाँ पे रहता है, हमने इसको निकाल दिया है, यहाँ पे रहता है लकिंग मैकेनिज्म को खुलने के बाद सेकेंड कंटेक्ट मैच होता है। भाई सेल्फ में अगर प्रॉपरली सर्विसिंग ना हो, ज़्यादा दिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो तो क्लच फ्लाई व्हील के थोड़ा बहुत जंग आने से भी आपका पिनियन आगे की तरफ अच्छे से पुश नहीं हो पाता, जिससे सेकेंड कंटेक्ट मैच नहीं होता और आपका सेल्फ स्टार्टर नॉट वर्क हो जाता है। तो आपको पहले इन चार पॉइंटों के बारे में बता दिया था कि इनिशियली आप जब इग्निशन लेते हैं तो उसकी सप्लाई यहाँ आती है, यहाँ पे ऑलरेडी 24 वोल्ट पतले वाली लीड से मौजूद रहता है, यहाँ रिले कंटेक्टर से हेवी मोटी वाली लीड कनेक्ट रहती है, जिसमें सप्लाई बाद में आती है जब रिले कंटेक्टर बस ऑपरेट होता है। और यहाँ भाई जब सेकंड कंटेक्ट मैच होता है तब यहाँ से आउट होकर रिले बॉक्स को सिग्नल जाती ऑपरेट होती है, फिर वही रिले बॉक्स से सप्लाई यहाँ पे आती है और सेल्फ रन करता है। तो आपको मैं बता दूँ कि जैसे आप इग्निशन लेते हैं ये पुशिंग प्लेट आगे जाती है, इसके फर्स्ट कंटेक्ट मिलते हैं, फर्स्ट कंटेक्ट मिलने से यहाँ पर होते हैं फर्स्ट कंटेक्ट 30 नंबर पॉइंट्स होता है, यहाँ फर्स्ट कंटेक्ट यहाँ मिलता है। इसके बाद आपका जो डिश होता है, डिश में एक पतले वाले वायर से आपको सीधा सप्लाई आती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस में आती है और रेजिस्टेंस के थ्रू जाके सीधे फील्ड वाले वायर पे कनेक्ट होती है, सेल्फ के जो मोटी फील्ड की वाइंडिंग होती है उसके ऊपर कनेक्ट होता है और सीधे सेल्फ को स्लो मोशन में रन करता है जब तक कि सेकंड कंटेक्ट मैच ना हो। ये 6-7 सेकंड तक अगर सेकंड कंटेक्ट मैच नहीं हुआ तो ये रेजिस्टेंस आपका जल जाता है और यहाँ सब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इस सेल्फ में पहले हो रखा है ऑलरेडी, तो हमने इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज इस सेल्फ को मॉडिफाइड कैसे करेंगे। तो जब सेकंड कंटेक्ट मिलता है तो ये सेकंड कंटेक्ट होता है आपका, इसकी सप्लाई आती है आपको 30F से डायरेक्ट वहाँ सप्लाई जाती है, रेजिस्टेंस को बाईपास करके फील्ड में डायरेक्ट सप्लाई दे देती है और सेल्फ हाई पावर से रन कर जाता है, इंजन को स्मूथली स्टार्ट करता है। अभी हमारा जो मॉडिफिकेशन है
ये जो इसके अंदर मैकेनिज्म लगा है, देखिए भाई हमने इसका सारा मैकेनिज्म आउट कर दिया है, ये सिर्फ फ्री इसका एक ही काम है, पुशिंग नट को धक्का देना, पिनियन को आगे पुश करना, बाकी इसका कोई काम नहीं है। आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट मिल रहा है, सेकंड कॉन्टैक्ट मिल रहा है, ये हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आपको कंट्रोल करेंगे इस रिले बॉक्स से, ये हमने मॉडिफाइड किया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें इजीली चार वायर हैं, बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में बाद में बताएंगे हम, अभी सेल्फ के बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ में हमें नॉर्मली क्या मॉडिफिकेशन करना है उसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो आपको पता होगा कि 30F से ये जो प्लेट है, ये पिन है, ये पॉइंट आती है, और इसके साथ एक पत्ती लगी रहती है, ये वाली पत्ती लगी रहती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है, या लास्ट में ये लगती है, और ऐसे ये दोस्त यहाँ से कनेक्ट रहता है, इस पे ऐसे कनेक्ट होके यहाँ जाती है, आगे यहाँ पे आती है, और एक नॉर्मली प्लेट के ऊपर इसके थ्रेड भी कभी स्लिप हो जाते हैं, इसके ऊपर ये मोटी वाली फील्ड वाली वाइंडिंग जो है माउंट रहती है, और ये बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, इस प्लेट को डिस्क को आउट कर देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका 30F जो पॉइंट है फ्री रहेगा। अब हम बात करते हैं 65 जो लास्ट वाली है, 65 पिन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट आता है सेकेंड पॉइंट पे, जहाँ से आपको रिले बॉक्स में सप्लाई जाती है, यहाँ से आउट होती है सेकेंड कॉन्टेक्ट से। तो हमने यहाँ पे अभी काफ़ी स्पेस हो गया और प्लेट निकल गई, ये जो डायरेक्ट जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीधे इसके बेस पे माउंट होगा, सेंटर में एक होल रहता है, उसमें नट लगा रहता है, उस नट को निकालना है, और इस वाइंडिंग के वायर को सीधे उसके बेस पे ही अच्छे से टाइट करना है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसे कि पहले था वैसे ही अब इस प्लेट पे माउंट ना होके, इस पे माउंट ना होके अभी डायरेक्ट इस पॉइंट, इस बेस पे माउंट होगा ये, और ये जैसे था वैसे ही रहेगा। इसको उल्टे करके इसको थोड़ा सा हैमर से इसको सीधे करना है, इसे मैं बताऊंगा क्यों करना है, और ये इंसुलेटेड होगा इसमें ऐसे ही रहेगा, ये नट जो है सीधे इस ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, इसलिए हमें इंसुलेटेड देना ज़रूरी है ताकि इसमें ग्राउंड ना हो। तो इसको सेफ्टी ध्यान देना है कि ये जो भी हम इसको लगा रहे हैं सही से लगाएं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें नीचे बहुत बड़ा होल होता है और इसमें पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत रहती है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई आता है और इसी के बेस पे डायरेक्ट माउंट किया जाता है, इसलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं इंसुलेटेड के, इसको डायरेक्ट इस पे बेस पे टाइट करिए। इसमें इंसुलेटेड की भाई ज़रूरत है, आपको ध्यान से करना होगा। अब ये आप जब सीधा करेंगे ये रेजिस्टेंस का वायर जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। अभी जो पत्ती आपने निकाला है इसकी कुछ सेप हमने बना लिया ऐसे, इस तरह इसको इजीली आप बैंड कर सकते हैं, या इसको ये जो शोल्डिंग किया हुआ रहता है जहाँ पे नट कट बने रहते हैं, इसको यहाँ से आप काट सकते हैं, यहाँ से कटर है तो आप इजीली यहाँ से कट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इस पार्ट्स की, इस होल की ज़रूरत है, यहाँ तक ज़रूरत है, इसके बाद इसको कट भी कर सकते हैं, पर हमने कट नहीं किया है, आपको इजीली माउंटिंग के लिए हमने सारा समाधान ढूंढ रखा है कि आपको कैसे करना है। अब हम चलते हैं, हाँ हम यहाँ थे, यहाँ तक की कार्रवाई हो गई थी, जैसे कि हमने बता दिया था रेजिस्टेंस की ये जो पत्ती है सेम रहती है, और वैसे ही हम अभी भी यहीं पे ऐसे कर रखे हैं, और पत्ती की डायरेक्शन अभी क्या होगी, ये जिधर दो होल थे
वो आएगी इधर, ये फर्स्ट होल इस रेजिस्टेंस के नीचे ऐसे। इसके साथ कोई इंसुलेटेड की ज़रूरत नहीं है, इसको इजीली इस रेजिस्टेंस को इस पे लगाइए और नट से टाइट कर दीजिए। बिल्कुल काफ़ी इस पे से कोई शॉर्ट सर्किट की कोई डर नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। और ये जो होता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट, आपको याद होगा मैं बताया था 30 नंबर पिन, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई ऑलरेडी रहती है। तो यहाँ के जो नट है फर्स्ट वाला, जो बेस इसके ऊपर माउंट रहता है, उसको रिमूव करना है। रिमूव करके आपको इसमें इंसुलेटेड एक इसके अंदर रहेगा, दूसरा इंसुलेटेड आपको लेना होगा। और जब ये पत्ती आप इस पे बैठाएंगे, ये देखिए कैसे हमने जो बेंड किया था, कैसे हमने सेट किया है इसको, दो होल वाला इधर, बीच में एक सिंगल ऑलरेडी रहता है, और ये इधर। ये दोस्त कहीं पर भी किसी भी चीज़ से लिंक नहीं है, ये डायरेक्टली इसको इस पत्ती को इस फर्स्ट कॉन्टेक्ट के साथ ज्वाइंट करना है। तो आपने एक इंसुलेटेड अंदर डाला है, एक ऊपर से और डालेंगे, ताकि ये पत्ती आपने लगाया है और इसको बॉडी के साथ नट के साथ टच नहीं करना है, ये ध्यान से करना होगा आपको। यहाँ दो इंसुलेटेड प्लस एक ऊपर से और इंसुलेटेड आपको डालना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। तो एक ये इंसुलेटेड हो गया, ये माइका का, ये देखिए, और ऊपर से आपको एक ये इंसुलेटेड डालना होगा, ये भी माइका का है, ऊपर से फिर एक वाशर लगा के नट से यहाँ इजली आप टाइट कर सकते हैं। इतना ही मॉडिफिकेशन है सेल्फ के अंदर, और हमने इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं किया, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद इजली आप अपने, जैसे ये पुशिंग प्लेट है, इसमें स्प्रिंग लगाइए और इजली इसको माउंट कीजिए, और जैसे था डिजाइन वैसे इसको पूरा फिक्स करिए। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपके इसमें तीन पॉइंट काम में आने वाले, फर्स्ट 30, 50 एंड 65। 30F की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लेट पूरी फ्री है, देख रहे होंगे बिल्कुल फ्री है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ले चलते हैं मॉडिफिकेशन रिले बॉक्स की तरफ, ये क्या काम करते हैं। मैं आपको सेल्फ स्टार्टर इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग कंट्रोल बॉक्स के बारे में बताऊंगा, ये कैसे काम करता है, इसकी टाइमिंग क्या है, और सेल्फ को इजीली कैसे स्टार्ट करता है। आइए इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट इसमें चार वायर लगे हैं, येलो, ब्लू, रेड एंड ग्रे। ये इग्निशियन से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 50 नंबर इग्निशियन के साथ, ये जो रिले बॉक्स कंडक्टर के बगल में जो दो वायर आती हैं सेलेक्टर स्विच के ज़रिए, 1 एंड 2, 1 प्लस 2, उसके वायर के साथ टिपिंग करना है। जो भी आप सेल्फ सेलेक्ट कर रहे हैं उसके वायर के साथ ये टिपिंग होगा। दूसरा ये ब्लू कलर का जो वायर दिख रहा है, ये रिले नंबर 1 पे कनेक्ट होगा, जो कि जब ऑपरेट होगी तो पतली वाली लीड के ज़रिए सेल्फ के रेजिस्टेंस में सप्लाई जाएगी, सेल्फ को स्लो मोशन में रन करने के लिए। और ये रिले बॉक्स के पॉजिटिव सप्लाई यानी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट किया जाएगा। ग्रीन ये रिले के सेकेंड पॉइंट पे जाके कनेक्ट होगा, जो कि सेकेंड रिले को ऑपरेट करेगा हाई वोल्टेज के लिए, सेल्फ के 65 नंबर, पहले 30F था, अभी 65 नंबर पिन पे उसको हिट करेगा। अब हम अंदर पीसीबी के बारे में बात करते हैं। इसमें एक और वायर है, जब आप इसको माउंट करेंगे तो एक आपको यहाँ होल करना होगा, एक यहाँ होल करना होगा, इसमें नट बोल्ट के ज़रिए प्लेट में टाइट करेंगे, इस वायर को उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि
कि इस पीसीबी को ग्राउंड मिल सके। स्टार्ट करते हैं इग्निशियन से। जैसे सप्लाई आती है, फर्स्ट में आपको डायोड, इसको 4007 डायोड बोलते हैं। इसके बाद रेगुलेटर आईसी आती है 7805, ये 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी हो उसको कन्वर्ट करके ये 5 वोल्ट ही इसका आउटपुट होता है, इसलिए इसको रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। यह आपको फिल्टर के लिए लगाया है, जो भी फ्लक्चुएशन सेल्फ के स्टार्टिंग के दौरान होगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि इसमें सेंसिटिव पीसीबी लगी है। इसको अर्डिनो नैनो बोर्ड बोलते हैं, जो कि प्रोग्राम किया जाता है और इसमें अलग अलग टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। हमने इसमें अभी इसको एक तरह से टाइमर का इस्तेमाल किया है। तो और यह आपको मोसफेट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर से बेस्ट रिजल्ट होता है इसलिए हमने मोसफेट ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है। ट्रांजिस्टर से थोड़ी सी महंगी होती है पर ये बहुत ही बेस्ट होता है। इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लगाया, ये 1 किलो का हमने रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया है। ये LED लगी है, इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट हो रही है नहीं, इसको सप्लाई मिल रही है नहीं, इसके लिए लगाया है। और यहाँ पर भी जो LED है सेम उसी के लिए है। तो इसमें हमने 2 रिले लगाए हैं, फर्स्ट रिले ऑपरेट होने के लिए, फर्स्ट रिले को ऑपरेट करने के लिए, दूसरी रिले सेकंड रिले को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो रिले 10 एम्पीयर तक लोड लेती है। हमारे पीसीबी में कोई भी ऐसा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट नहीं है जो कि 10 एम्पीयर तक सप्लाई दे सके, इसलिए हमने रिले का इस्तेमाल किया है। ये रिले 30 एम्पीयर के है, 24 वोल्ट 30 एम्पीयर, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका, बहुत ही अच्छा है। तो जैसे इनिशियली सप्लाई आती है तो ये पीसीबी क्या करती है, 0.2 से 3 सेकेंड के बाद फर्स्ट सिग्नल देता है इसको। ये फर्स्ट रिले ऑपरेट होके रिले बॉक्स कंटेक्टर की फर्स्ट रिले को ऑपरेट करता है, और तब तक इग्निशियन जो सेल के 15 नंबर पिन पे गया है वो पिनियन को आगे की तरफ पुश करके होल्ड में रहता है, और जैसे ही ये रिले ऑपरेट होती है उसको स्लो मोशन में आगे शिफ्ट करता है। अगर पिनियन ढंग से नहीं बैठा है तो अच्छे से बैठ जाता है और सेल्फ को वार्म अप कर देता है रेजिस्टेंस के थ्रू। नेक्स्ट रिले की बारी आती है, ये 0.2 से 3 सेकेंड के बाद इस रिले को ऑपरेट कर देती है। ये रिले बॉक्स कंटेक्टर की सेकेंड रिले को ऑपरेट करती है, और इसके ऑपरेट होने से सेल्फ के रिले बॉक्स कंटेक्टर की सेकेंड रिले ऑपरेट होके सेल्फ के 35 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि सेल्फ स्मूथली रन कर जाता है। अब यहाँ पे आता है 4th स्टेप। जैसे ये रिले ऑपरेट होती है उसके 0.1 सेकेंड के बाद इस रिले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ये ऑफ इसलिए होती है ताकि हमें अगर इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई या रिले बॉक्स कंटेक्टर से रिले ऑपरेट नहीं हुई तो इसके ज़रिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू सेल में सप्लाई जाती रहेगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जल सकता है, इसलिए इसकी टोटली टाइमिंग 1 सेकेंड ऑपरेटिंग टाइम है। 1 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, जिससे कि रेजिस्टेंस किसी भी हालत में जलता नहीं। तो दोस्तों ये रिले 6 से 7 सेकेंड तक ऑपरेट रहती है। इसके बाद इसमें भी टाइमिंग दिया गया है, ऑटो कट सिस्टम, आप सेल्फ यानी 6 से 7 सेकेंड तक लॉन्ग सेल्फ ले सकते हैं, इसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और ये आपको 3rd LED सिग्नल देती है कि हमारा पूरा कटअप हो चुका है, आपको फिर दोबारा इग्निशन स्विच ऑपरेट करना होगा और ये कार्रवाई फिर से करनी होगी। तो बहुत ही अच्छा है, इससे बैटरी सेल्फ सारे सेफ्टी है और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। ये मार्च महीने से सितंबर महीने तक इसको हमने ट्रायल करके ये आपको वीडियो हमने लॉन्च किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। थैंक्स, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय करें।